हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज से हम लोग गाला का सोल्यूशन लेके आए आपके लिए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं गाला का पेपर नंबर वन ठीक है तो पेपर वन का आपको सोल्यूशन दिया हुआ है बट हमको समझेंगे कि वो सोल्यूशन कैसे हुआ है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं जैसा पेपर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है गाला में वैसा ही सेम पेपर हमको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ठीक है हेलो एवरी कैसे हो आप सब होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज हम लोग पेपर नंबर वन गाला का सेक्शन डी लेके आ रहे हैं आपके लिए ठीक है अगर मैं section D की बात करूं यहाँ पे तो देखो ध्यान से section D के अंदर ठीक है क्या लिखा हुआ है है ऐसा बोल रहा में से खाली आपको five attempt करने आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एट क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको जो इजी लगता है आपको वही फाइव अटैम्प्ट करना है अब मेरी बात सुनो ध्यान से ठीक है अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो इसके अंदर फिफ्टी फोर नंबर का ये आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ठीक है फिफ्टी थ्री वाला ये भी किसका है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है ये वाला फिफ्टी टू किसका है, आपका स्टैटिक्स चैप्टर का है और ये भी किसका है स्टैटिक्स चैप्टर है तो पाँच में से चार तो आप इजिली अगर आपने प्रॉबिलिटी कवर किया है अगर आपने स्टैटिक्स कवर किया है आप बेसिक के मतलब बेसिक का मतलब पेपर देने वाले हो ठीक है तो आपके लिए चार क्वेश्चन तो इजीली आपको दो चैप्टर में से मिल जाएंगे ठीक है उसमें से आपके चार वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अब एक चीज तो और अगर भैया तारी हुआ एक तो बाकी रह गया हमको आम, फुल स्कोर करना है मेरी बात सुनो ध्यान से देखो यहाँ पे एक थियरम आया है आपके एग्जाम में एक थियरम आएगा ही या तो कन्वर्स ऑफ बी पी थियरम या तो बीपीडी थियरम दोनों में कोई तो एक थियरम आता है चैप्टर नंबर सिक्स का आई है तो आपने दो लेसन कवर किया अच्छे से ठीक है तो आपके फोर माइक क्वेश्चन इजिली कवर हो जाएंगे प्रॉबिलिटी में से और स्टेटिक्स में से अगर आपने एक थियरम भी पढ़ लिया चैप्टर नंबर में से तो आपके ऑलमोस्ट फुल मार्क आ जाएंगे सेक्शन डी के अंदर ठीक है बट अभी हम यहाँ पे समझने के लिए हम एट के एट अटेम्प करने वाले हैं तो आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए ठीक है अब मैं बात करू क्वेश्चन नंबर फोर्टी की तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो स्टेट बेसिक प्रोस्पोनिटी थियरम एंड प्रूव इट आपको पता होगा शॉर्ट में क्या बोलते हैं बीपीटी थ्योरम उसको हमको प्रूफ करना है ठीक है तो मेरी बात सुनो ध्यान से बीपीटी थ्योरम के अंदर क्या होता है पहले तो आपको है ना एक समझा देता हूँ तो बनाना है पे होगा हमारा ए बी सी ठीक है अब मान लो ये इस साइड में इस साइड में एक पॉइंट है डी पॉइंट ठीक है जो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है ठीक है और फिर वहां से एक लाइन निकला जो पैरेलल है थर्ड साइड के क्या है पैरेलल है मतलब दूसरे साइड के ठीक है लाइन पे ए बी लाइन पे एक पॉइंट है मैं समझाता हूँ आगे बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है आगे बी सी के पैरेलल बढ़ रहा है ठीक है वो मतलब लाइन के पैरल होके बढ़ रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है थर्ड लाइन पे ठीक है तो ऐसा कुछ हमारा डायग्राम बनेगा और यही आपको लिखना है गिवन में भी गिवन में भी क्या लिखना है आपको सिंपली जो आपके क्वेश्चन में दिया आपको वही लिखना है ठीक है कि डी Point D is intersect at AB line and parallel to another side, parallel to another side BC and intersect at and intersect and intersect at एंड इंटरसेक्ट ऑन ठीक है ऑन ए सी लाइन एट ई ठीक है बोलो कि भैया आपने तो बहुत लंबा लिखवा दिया इतना कैसे हमको याद रहेगा तो मेरी बात सुनो सिंपली अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप शॉर्ट में इतना लिख सकते हो कि हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी ठीक है हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी ए बी सी के अंदर जो डी ई e है वो क्या है पैलल है बी सी के और जो पॉइंट डी है पॉइंट डी एंड ई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन लाइन ए बी एंड ए सी पे रिस्पेक्टिवली आपने अगर इतना भी लिख दिया गिवन में तो आपके लिए इतना इनफ है अब प्रूफ क्या करना है आपको तो अंदर प्रूफ करना है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में सेम यू टू मीन क्या होता है देखो ए बी लाइन के पॉइंट में ये आ रहा है और ए सी लाइन के पॉइंट में ये आ रहा है तो रेशियो क्या बन रहा है देखो यहाँ से ए डी और डी बी यहाँ पे एर ई सी यही आपको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन में ए डी बी इक्वल टू एन में ई सी ठीक है ये आपको प्रूफ करना है ठीक है तो मैं प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं मेरी बात सुनना ध्यान से हम इसको शॉर्ट में प्रूफ करेंगे तो आप खाली ध्यान में रखना ठीक है अगर तो प्रूफ करना तो स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा मेरी बात सुनो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ज्वाइन क्या करना पड़ेगा बी से लेकर देखो ध्यान से बी से लेकर ई लाइन बी ई को एंड सी से लेके डी लाइन को सी से डी लाइन को ठीक है और यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या ड्रॉ करना पड़ेगा डी से एक परपेंडिकुलर लाइन निकल दी मान ले से एन डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी ठीक है ये वाले पे ए सी पे ठीक है एंड यहां से ई e से लाइन निकलती ई e एम मान लेते उसको ठीक e है ई एम ठीक है वो किसके है ठीक है ई एन क्या हो रहा है यहाँ पे ई एन ई एम सॉरी ई एम परपेंडिकुलर कहाँ पे हो रहा है ए बी लाइन पे ठीक है तो इतना आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यह आपको याद ही रखना है देखो सिंपल है आपको यहाँ पे एक क्रॉस ड्रॉ करना है वही सेम लिखना है बी से ई e और सी से डी और यहाँ भी आपको एक बीच में से इस क्रॉस में ड्रॉ करना है यहाँ बीच में से इस क्रॉस में ऐसे ड्रॉ करना है ऐसा आपको ड्रॉ करना है डायग्राम में ठीक है तो और बार नाम आप अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हो बट आपने जो नाम दिया आपको प्रूफ भी वैसा ही करना है अब मेरी बात सुनो ध्यान से तो प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे ना सिंपली तो हम यहाँ पे क्या लेंगे अपोन में एरिया लेंगे ठीक है क्या लेंगे एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल सुनो मेरी ये देखो ये दिख रहा है ए डी ई दिख रहा है ये ट्राइंगल इसका ही लेंगे ट्राइंगल का ए डी ई का और अपोन में कौन सा लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ट्राइंगल देखो यहां पे ध्यान देना बता रहा हूँ बी डी ई देखो बी डी ई ठीक है यहाँ पे देखना ध्यान से बी डी ठीक है कौन सा ट्राइंगल बी डी ई e. अब ट्राइंगल्स के फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अब देखो आप बोलोगे कि ये भैया ट्राइंगल है हमारा एडी मैं दिखा रहा हूं देखो ये ट्राइंगल है हमारा ए डीई e. इसके अंदर बेस क्या है ए डीई e दिख रहा है ये वाला ओके okay, ये वाला हमारा एडी ही इसके अंदर देखो पहले तो बेस क्या है आपका समझना बेस क्या होगा इसके अंदर ये बेस है ठीक है ध्यान रखना ए डी क्या है आपका बेस है ए डी बेस है इन टू में ठीक है क्या आएगा आपका हाइट आएगा तो हाइट ये है आपका ठीक है हाइट आपका क्या है ई से लेके एम ई से लेके एम तो परपेंडिकुलर होगा वही आपकी हाइट होगी ठीक है तो हाइट क्या है आपका ई से लेके एम ठीक है अपॉन में अब बी डी की बात करूं मैं देखो यहाँ पे ध्यान से अगर मैं बी डी ई की बात करूं बी डी ई के अंदर तो यहाँ पे भी देखो बेस तो आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी डी आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा तो यहाँ पे देखो हाफ बी डी क्या हो गया आपका बेस हो गया इन टू में मेरी बात सुना आप बोले भैया हाइट क्या होगी इसकी तो बोल बोलोगे भैया हाइट ये है क्या तो ये हाइट नहीं है मेरी बात सुनो ध्यान से अगर मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करूँ कुछ इस टाइप का देखो मैं बेस मान लेता हूँ बेस क्या है मेरा यहाँ पे देखो ये ए है ये डी है ये बी है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल की कुछ ऐसा है ये ठीक है कुछ ट्राइंगल कुछ ऐसा है और इसकी हाइट यहाँ पे आ रही थी हाइट क्या आ रही थी मेरी E से लेके M, देखो मैंने खाली क्या किया बेस को ये जो लाइन थी ना मैंने यहाँ पे सुला दिया उसको ठीक है समझाने के लिए और हमारा ट्राइंगल कौन सा देखो यहाँ पे ट्राइंगल ट्राइंगल हमारा कौन सा है बी डी ई अब बोलोगे भैया इसकी हाइट ये है क्या नहीं तो ये स्लैंड हाइट है हाइट हमेशा कैसी होती है हाइट हमेशा सीधी होती है बट आपको है ना इतना कन्फ्यूजन होना इसके अंदर मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है स्पेशली अगर, अगर आपको कन्फ्यूजन होना तो इतना आप समझो कि दोनों की हाइट सेम होगी ई एम हाइट होगी क्योंकि वो देखो दिख रहा है ये ट्राइंगल भले ही ये है ट्राइंगल भले ही ये है बट ये तो क्या होगी उसकी स्लैंड हाइट हाइट तो हमेशा कैसी होती है हाइट हमेशा सीधी होती है तो ये हाइट क्या होगी ई e एम ही हाइट होगी ठीक है हाइट ई e एम ई होगी ध्यान रखना ठीक है तो हाइट क्या आ गई यहाँ पे हाइट आ गई हमारी ई एम हम लोग सॉल्व करते हैं इसको देखो ध्यान से यहाँ से ई एम ई एम कैंसल हाफ हाफ कैंसिल क्या बच गया मेरे पास ईडी अपॉन बी डी बच गया इक्वेशन नंबर वन ऐसे ही हमको प्रूफ करना है सेकेंड इक्वेशन को एरिया लेंगे उसमें भी ईडी ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा एडी ए ठीक है ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा एडी ए ठीक है ध्यान रखना ठीक है ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा एडी ए ठीक है अपॉन में क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ट्राइंगल ठीक है ध्यान समझाता हूं ठीक है अपॉन में क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी e. अब बोलो सी डी ई कौन सा है? मैं समझाता हूँ देखो सी डी ए वाला है ये 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 ट्राइंगल ठीक है सी डी सी डी ठीक है सी डी ई ये ट्राइंगल ठीक है अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास हाफ होगा ठीक है अब समझना देखो इसके अंदर बेस क्या हो जाएगा अब हमको इस तरफ देखना है बेस क्या हो जाएगा देखना ध्यान से अब हमको इस तरफ देखना है तो ई e, e, बेस हो जाएगा और ये हमारा डी एन क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखना ध्यान से क्या हो जाएगा ए ई बेस हो जाएगा और डी एन क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा अपॉन में देखो हाफ इन टू यहाँ भी देखो बेस क्या होगा हमारा इसमें बेस क्या होगा हमारा ई सी ई सी क्या हो जाएगा हमारा ई सी हमारा बेस हो जाएगा और हाइट है ना डी एन ही रहेगा कंफ्यूज मत होना यहाँ भी अगर मैं उस ट्रा को भी कर मैं ये बेस लूंगा ये बेस लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे तो आपको वही सेम चीज मालूम पड़ेगा तो ध्यान रखना खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइट सेम रहेगी ठीक है तो इसका भी क्या हो जाएगा हाइट हाइट कितना आ जाएगा मेरा डी एन ही आ जाएगा हाइट भी तो हाइट भी क्या आ जाएगा डी एन डी एन क्या हाफ से हाफ कैंसिल क्या बता मेरे पास ई अपॉन ई इक्वेशन नंबर टू इतना आपने कर लिया मतलब तो आपने आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है अब मेरी बात सुनो ध्यान से यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला पार्ट दिख रहा है इक्वल है इट मीनस ये वाला और ये वाला भी क्या होगा इक्वल और ये वाला जो एरिया है हमारे नीचे वाला दोनों का वो क्या है अलग है अगर हमने उसको भी इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये भी और ये भी क्या हो जाएगा हमारा इक्वल प्रूफ हो जाएगा तो उसको हम इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे मेरी बात सुनो ध्यान से यहाँ पे आपको कल एक चीज लिखना लिखना रहेगा वो चीज़ क्या है मैं रफ कर रहा हूँ ये सबको आपको लिख लेना है पहले ही ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है वो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई है किसके अकॉर्डिंग ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेस सेम बेस बेस क्या आ रहा है हमारा डीई विथ सेम बेस डी ठीक है दोनों ट्राइंगल का बेस यही है डीई एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेस डी एंड एंड पैल एंड पैल एंड पैल इन सेम ठीक है इन पैरल इनके सॉरी एक मिनट यहाँ पे ध्यान रखना क्या लिखना है आपको स्टेटमेंट एरिया ऑफ ट्रेम बेस एंड एरिया ऑफ ट्रक्वल इन से क्या लिखना है एरिया ऑफ ट्रैंगल इज सेम इन टू सेम सॉरी यहां एक मिनट यहाँ पे स्टेटमेंट एरिया ऑफ ट्राएंगल इज इक्वल इन सेम पैल लाइन इन सेम पैल लाइन ठीक है तो ध्यान में रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है इक्वल होता है इन सेम पैल लाइन के बीच में हमारा कौन सा है यहाँ पे डीई पैल टू बी सी उन दोनों के बीच में ये जो हमारा एरिया है वो आ रहा है तो हमारा इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगा आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विद सेम बेस डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सो सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल ठीक है

वन टू एंड थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन से टू से थ्री से क्या प्रूफ हुआ कि हम अब बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना था क्या प्रूफ करना था ठीक है जो हमको प्रूफ करना था वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री इक्वल टू ए डी में अपॉन में डी बी इक्वल टू अपॉन में EC. यहाँ पे लिख देना हैं प्रूफ ठीक है तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है समझना ध्यान से, देखो पे मैं वही लिखा है डी और यहाँ पे क्या लिखा है DB, और थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक है कि जो एरिया होता है ना सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो तो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है सेम होता है या इक्वल होता है इसका बेस भी क्या हो सेम हो तो ठीक है तो आपको इतना लिखना है बस ठीक है इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके एम okay, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना ध्यान से अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट एट द स्पीड इतना तो इसको समझो ध्यान से अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं इसका अगर तो मैं इसका डायग्राम ड्रा करूं यहाँ मान लेता हूँ ये लैम्प पोस्ट है ठीक है एक ये लैम्प पोस्ट है इसके बेस से वो लड़की चली है उसकी हाइट है नाइन्टी सेंटीमीटर तो अगर नाइन्टी से अगर मीटर में, में, में करूँ तो कितना होगा जीरो मीटर ध्यान रखना कितना है जीरो मीटर ठीक है ये उसकी हाइट है और वो चली कितनी है वन मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चली है मतलब यहाँ से उसने वॉक करना स्टार्ट किया ये लैम्प पोस्ट है इसके फूट से उसने क्या किया वॉक करना स्टार्ट किया यहाँ तक वो पहुंची है ठीक है तो पहुंची है इतने की रफ्तार से ठीक है और जो लैम्प है जो लैम्प है देखो इधर लैम्प हो जी थ्री पॉइंट एट मीटर द ग्राउंड थ्री पॉइंट सिक्स मीटर ठीक है ध्यान रखना कितना है इसकी हाइट थ्री पॉइंट सिक्स मीटर इसकी हाइट है ठीक है अब क्या फ़ाइंड क्या करना है हमको इसके अंदर फाइंड करना है हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द हर सैडो आफ्टर फोर सेकेंड ठीक है तो जो तो तो इतने इतना कवर किया ना डिस्टेंस उतने टाइम लगाया है फोर सेकेंड तो यहाँ वो पहुंच गई है वो लड़की यहाँ पे खड़ी है तो, तो उसका सैडो बन रहा है इधर वो सैडो का क्या बनाना है हमको लेंथ बताना है ठीक है तो हम यहाँ से इसको डिजाइन कर लेते हैं ऐसा अब सॉल्व करेंगे ठीक है हम इसको नाम देते हैं कि जो लेंथ तो, तो पॉज है उसकी हाइट क्या है हमारे पास मान लेते हैं ए बी है और इसकी हाइट कितनी है सी डी है और ये जो डी से लेके ई है वो क्या है उसका सैडो का लेंथ है ठीक है अब समझना ये हमको फाइंड करना है इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स जो हमको फाइंड करना है क्या मानते हैं आप देखो क्या मानेंगे लेट्स लेंथ ऑफ सैडो लेंथ ऑफ सैडो क्या होगा बी B... एक्स ठीक है लेथ लेंथ ऑफ शेडो क्या हो जाएगा हमने उसको एक्स मान लिया अब मेरी बात सुनो ध्यान से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा उसकी रफ्तार है और टाइम है हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो अगर हमको फॉर्मूला पता हो ये वाला स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो स्पीड कितना है मेरे पास 1.2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू तो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है और टाइम कितना देखे रखा है मेरे को टाइम दे रखा है मेरे को 4 सेकेंड ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ठीक है सेकेंड सेकेंड कैंसल फोर पॉइंट पे एट फोर मीटर क्या आ गया उसका डिस्टेंट आ गया कितना आ गया डिस्टेंस 4.8 मीटर अब मेरी बात सुनना ध्यान से

बी से लेके डी का डिस्टेंस कितना है फोर पॉइंट एट और फिर डी से लेके ई e कितना उसको हमने एक्स वन है ठीक है तो कितना हो जाएगा एक्चुअली में ठीक है बी ई अपॉन ये हो गया और ये क्या हो गया हमारा छोटा वाला पार्ट क्या e. है डी ई और वैल्यू पुट करते हैं इसकी वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट सिक्स इसकी वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट नाइन इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी होगी फोर पॉइंट एट प्लस में एक्स आएगा समझना देखो बी से लेके डी ये कितना है फोर पॉइंट एट और ये कितना है एक्स तो कितना हो जाएगा टोटल जितना बी से लेके ए e का फोर पॉइंट एट प्लस एक्स ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखो डी क्या है हमारे पास एक्स है ठीक है डी क्या है हमारे पास एक्स है देखो डी हमने क्या मानना है हमने पहले इसको सपोज कर लिया अब सॉल्व करते ये पॉइंट से करतेन वन दाइन फोर दर्टी सिक्स अब यहाँ पे देखना फोर हो गया फिर ये एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट एट प्लस एक्स अभी प्लस एक्स यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स तो फोर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट एट तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा आंसर थ्री एक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट एट इतना आया अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से एक्स को यहीं पे रहने दो फोर पॉइंट एट डिवाइड में क्या आ जाएगा थ्री ये पॉइंट कैंसिल यहाँ से क्या आ जाएगा जीरो मैं सॉल्व करूंगा ये फिफ्टीन जा ये ट्वेंटी फोर जा अब मेरी बात सुनना ध्यान से फाइव थ्री जा थ्री फाइव जा कितना होता है थ्री फाइव जा फिफ्टीन होता है और थ्री एट जा कितना होता है थ्री एट जा ट्वेंटी फोर होता है तो एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास एट बाई फाइव अब मेरे को इसको सॉल्व करना है पॉइंट में तो यहाँ पे देखो अगर तो मैं एट को डिवाइड करूँ फाइव से तो फाइव बन जा फाइव थ्री बचा पॉइंट का जीरो फाइव सिक्स जा कितना होगा फाइव सिक्स जा थर्टी कैंसिल ठीक है तो कितना आंसर आ गया मेरा फाइव सिक्स जा थर्टी ठीक है कितना आंसर आंसर आ गया मेरा वन पॉइंट सिक्स ठीक है और किस में था मीटर में था तो मेरा कितना आंसर आ गया 1.6 मीटर होगा उसकी सैदो की लेंथ तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि ऑफ 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 ठीक है गर्ल 1.6 मीटर ये आपका आंसर हो गया ठीक है तो ये आपका आंसर हो गया तो ध्यान में रखना ठीक है तो ये आपका आंसर हो गया 1.6 मीटर तो इसी के साथ हमारा ये वाला सॉल्यूशन भी खत्म होता है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है एल्टीट्यूड एंगल ट्राइंगल है जो हाइट है, जो height है। में बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की देखो, तो ये मेरा ड्रॉ किया है ठीक है ठीके? ये बोल रहा है एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है ये जो परपेंडिलर उसको हम क्या बोलते हैं तो क्या क्या है? Altitude हमारा क्या है? Altitude, तो altitude है हमारा वो क्या है लेस है मतलब कम है बेस से क्या है सेवन कम है मेरी बात सुनो तो तुमको बेस ही नहीं पता तो कहते फाइन करोगे बेस ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे बेस को एक्स मान लेंगे तो यहाँ पे देखो लेट्स बेस बी क्या हो गया बेस हमारा एक्स हो गया तो एल्टीट्यूड क्या होगा बेस से सात कम है तो एल्टीट्यूड भी क्या होगा एक्स मतलब बेस से कितना कम है साथ कम है ठीक है तो ये हमको एल्टीट्यूड मिल गया और क्या लिखा है देखो ध्यान से

फॉर्मूला क्या होता है का 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 square, ये फॉर्मूला होता है, तो square, होता है. तो कितना है हमारे पास थर्टी थर्टीन का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास बेस को हमने एक्स माना है तो एक्स का स्क्वायर कितना एल्टीट्यूड कितना है एस माइनस सेवन का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन ये मैंने सॉल्व किया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन अब यहाँ पे देखो वन सिक्सटी नाइन एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन अब मेरी बात सुनो ध्यान से अब ये फोर्टी नाइन यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस फोर्टी नाइन इक्वल टू टू एक्स का स्क्वायर प्लस अब सब में से तो टू कॉमन ले सकता हूँ मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी टू तो जीरो अब ये यह टू यहाँ पे जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब इसको सॉल्व करते हैं इसको अब सॉल्व करना है मैं इसको रफ कर रहा हूं ठीक है उसको हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी ठीक है इसको हमको सॉल्व करना है ध्यान दो अब इक्वल टू में जीरो क्योंकि ये तो हमारा कट हो चुका है अब यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा ऑलरेडी वैसे भी ठीक है तो देखो क्या करते हैं इसके नाम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 60 है कोई ऐसा नंबर ढूंढो बताओ क्या आएगा कौन सा नंबर होगा 12 5 जाओ 12 5 जाओ कितना होता है हमारा 60 होता है ठीक है 12 तो कितना होता है 60 हमको माइनस 7 ही तो माइनस 12 लेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्व एक्स कॉमन क्या है तो यहाँ पे देखो कितना वैल्यू एक बार दो बार आया ना यहाँ पे तो इसको यहाँ पे लिखते हैं और वन टाइम क्या आएगा एक्स प्लस फाइव इक्वल टू में जीरो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ आके प्लस टूवल्व और माइनस फाइव तो माइनस फाइव आई और क्या आई टूवेल्व आई तो मेरी बात सुनो जो माइनस वाला हमारा कभी भी लेंथ में नहीं आ सकता तो हम क्या करेंगे उसको नेगलेक्ट करेंगे हम क्या करेंगे माइनस फाइव को नेगलेक्ट करेंगे इट मीन्स मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी एक्स की वैल्यू आई टूवेल्व और तो बेस को हमने क्या था? X माना था एक्स माना क्या हो जाएगा बेस इज ट्व सेंटीमीटर फिर एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा ठीक है एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा एल्टीट्यूड ठीक है एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा ट्वेल्व क्या एक्स आया माइनस सेवन इज कितना हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर तो इसी के साथ हमारा ये वाला सॉल्यूशन भी खत्म होता है भले ही तो राइटिंग मेरी खराब है बट तो आप समझने का ट्राई करना उतना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है आपको अगर पता है मैं क्या कर रहा हूँ तो आप इसलिए उसको समझ सकते हो ओके तो

फिर क्या है सेवन हंड्रेड सेट इन द सेवेंट ईयर तो क्या करोगे सिंपल सा बोल दो ए कि सेवन कितना है मेरे पास सेवन हंड्रेड है ठीक है इतना कर लिया उसके बाद क्या करना है एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर अब फाइंड करना है हमको प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना है मतलब हमको ए फर्स्ट की वैल्यू बतानी है मतलब ए फर्स्ट क्या होता है हमारा ए ही होता है ठीक है तो ए की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे देखो तो इक्वेशन क्या, क्या, क्या बनेगा हमारे पास ए प्लस टू डी इक्वल टू सिक्स हंड्रेड आपको पता होना चाहिए ए थ्री को हम ए प्लस टू डी लिख सकते हैं ये हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू सेवन हंड्रेड ठीक है अगर हमें सॉल्व करेंगे सबकी मैंने साइन चेंज किया मैंने कट किया एलिमिनेशन से ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस फोर डी और ये कितना आ जाएगा माइनस हंड्रेड माइनस से माइनस कैंटल डी की वैल्यू कितनी आएगी डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी ट्वेंटी फाइव अगर डी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव आई मैं पुट करूंगा यहाँ पे किसी क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पे देखो ध्यान से a प्लस टू डी की वैल्यू कितनी आई है ट्वेंटी फाइव मैंने इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट किया उसके लिए मैं किया मैंने पे एरो है a ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्स हंड्रेड आ गया a प्लस ये कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड तो a की वैल्यू कितनी आएगी सिक्स हंड्रेड माइनस फिफ्टी यहाँ प्लस में आया हमारे जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो हमको ए वन करना था तो ए वन कितना हो जाएगा हमारा ए वन हो जाएगा हमारा फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो यही हमारा पहले का आंसर क्या होगा फाइव हंड्रेड फिफ्टी क्या है हमारा फर्स्ट ईयर का आंसर है अब क्या फाइंड करना है हमको देखो ध्यान से अब हमको फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन क्या बोल के रखा है द प्रोडक्शन ऑफ द टेंथ ईयर हमको ए टेन बताना है ठीक है ये हमारा फर्स्ट का आंसर है अब सेकंड का क्या बताना है टेंथ ईयर तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस नाइन डी ए की वैल्यू कितनी आई है फाइव फिफ्टी आई है प्लस नाइन डी की वैल्यू कितनी आई है ट्वेंटी फाइव देखो ये रही हमारी ए की वैल्यू और ये रही हमारी डी की वैल्यू मैंने वही पुट किया है यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं फाइव फिफ्टी प्लस नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव कितना होगा 25 फाइव इंटू कितना होगा बताओ टू टू फाइव ठीक है कितना आ रहा है टू टू फाइव इसको प्लस करना है तो ये 5 हो जाएगा ये 7 और ये 7 कितना आ गया सेवन सेवन फाइव ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया ठीक है कितना हो गया 775 ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल के रखा है देखो यहाँ पे बोल रहा है टोटल प्रोडक्शन इन द सेवेंटी ईयर टोटल प्रोडक्शन बोल रहा है साथ में ईयर इन फर्स्ट सेवन ईयर फर्स्ट सेवन ईयर का टोटल प्रोडक्शन टोटल मतलब क्या होता है सम होता है ठीक है तो ये ध्यान रखना थर्ड में सम करना है हमको तो मेरी बात सुनना ध्यान से यहां पे देखो अब ठीक है अब थर्ड क्या फाइंड करना है हमको एस सेवन फाइन करना है तो फॉर्मूला क्या होगा सेवन बाई टू एन बाई टू होगा ना और ए प्लस मैं एल क्यू ले रहा हूँ क्योंकि मेरे ए सेवन की वैल्यू है जो ए सेवन क्या हो गया हमारा एस सेवन का लास्ट टर्म हो गया उसकी वैल्यू हमारे पास है ठीक है तो ये कितना हो जाएगा सेवन बाई टू ए की वैल्यू कितनी है फाइव फिफ्टी प्लस एल कितना है मेरे पास एल है मेरे पास सेवन हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पे देखो सेवन बाई टू इन टू में कितना आ रहा है बारह सौ ठीक है प्लस करोगे कितना आएगा बारह सौ पचास आ जाएगा ठीक है ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी आ जाएगा अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से ये टू से वन कैंसिल ये किससे कैंसिल होगा सिक्स ट्वेंटी फाइव से ये कैंसिल हो जाएगा अब सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव थ्री रिमेनिंग फोर्टीन और थ्री सेवेंटीन वन फोर्टी टू वन एंड फोर्टी थ्री फोर थ्री सेवन फाइव ठीक है तो इसका आंसर कितना आएगा फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है ओके तो इसका आंसर हमारा आ चुका है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे देखो ध्यान से यहाँ पे देखो हमको एक टेबल दिया हुआ है डेली एक्सपेंसिस इंदर ट्वेंटी फाइव डॉलर और लोकेलिटी ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक रेंज मैंने बोला अगर इस रेंज से इस रेंज तक होता है इट मीन्स वो आपका क्या है वो आपका क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल आपके पास है आपके पास फ्रिक्वेंसी है क्या फाइंड करना है आपको फाइंड द मीन क्या फाइंड करना है आपको मीन फाइंड करना है मैंने आपको बोल के लगा आपके पास क्लास इंटरवल है फ्रिक्वेंसी है और मीन फाइंड आपको जो मा फाइंड करना है आपको वो मालूम है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो पहले हम मैं पे क्लास इंटरवल ड्रॉ कर लेते हैं हंड्रेड से कितना है हंड्रेड से वन फिफ्टी वन फिफ्टी से टू हंड्रेड टू हंड्रेड से टू फिफ्टी टू गैप थ्री हंड्रेड फिफ्टी का फ्रीक्वेंसी okay, क्या देखे रखी है हमको फ्रीक्वेंसी हमको देखे रखी है फोर फाइव ट्वेल्व फोर फाइव ट्वेल्व टू टू और मेरी बात सुनना यहाँ पे देखो ध्यान से एक लास्ट वर्ड लिखा मैंने आपको पहले ही बोला था ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है उसके लिए आपके आलमी में क्वेश्चन दिया हुआ मैंने बोला था कि हमेशा आपको फाइंड पे एक ही चीज करना रहेगा मीन हो या मोड हो या मीडियम हो यहाँ पे क्या लिखा देखो ऑन फूड बाय अ अबल मैथड आपको इसको सॉल्व करना है अपने सुटेबल मैथड से जो आपको ईजी लगता है मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि आपने ना देखा स्टैटिक्स वाला वीडियो कि आप ट्राई करो की चीजों को ले जाओ स्टेप डेविशन के ऊपर वो चीजें क्या करेगी आपकी आसान कर देगी ठीक है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ स्टेप डिविजन वाले मेथड पे तो पहला कॉलम तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे पहला तो हमारा एक्स आई बनेगा ही ठीक है एक्स आई क्यों बनेगा वो कन्फर्म है आप कोई मेथड यूज करो आपका एक्स आई बनने वाला ही है एक्स आई क्या होता है मिड वैल्यू तो कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव वन सेवेंटी फाइव इसका मिड वैल्यू ठीक है ये कितना हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव और थ्री ट्वेंटी फाइव ठीक है अब मेरी बात सुनना रहा यहाँ पे ध्यान से अब नेक्स्ट कॉलम क्या आता है यू आई क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविशन मेथड क्या होता है मीन का ठीक है ए प्लस सिगमा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इन टू एच ठीक है ये फॉर्मूला होता है अब मैंने क्या बोला था इंटर के अंदर आपको ट्राई करना है कि आपको एक्स आई में जो एज्यूम कर रहे हो ना एज्यूम हमेशा आपको एक्स आई वाले कॉलम में ही करना होता है तो आप जो भी एज्यूम कर रहे हो ट्राई करना कि आप एज्यूम करो हमेशा मिडल वन को जिसको आपने एज्यूम किया क्या मानना है उसको जीरो ऊपर वाले को माइनस वन माइनस टू नीचे वाले को वन और टू फिर यहाँ पे कौन सा बनेगा कॉलम एफ आई यू आई का तो यहाँ पे देखो फोर मल्टीप्लाई टू फोर टू जा एट माइनस एट फाइव वन जा माइनस फाइव टूवेल्व जीरो जीरो टू वन जा टू 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 जा फोर अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले माइनस वाले को प्लस कर लेते तो भले ही प्लस करे और साइन किसकी आएगी माइनस की तो माइनस थर्टीन ठीक है और ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा सिक्स यहाँ पे कितना बचेगा अब माइनस सेवन आएगा इसको सॉल्व करने पे इन दोनों बड़ा नंबर कौन सा है थर्टीन उसके साइन नेगेटिव तो नेगेटिव थर्टीन में सिक्स जो कितना बचा सेवन तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सेवन अब यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी फोर और ये नाइन नाइन और ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री और ये ट्वेंटी फाइव ठीक है अब वैल्यू पुट कर लेते फटाफट एजुम किसको किया है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस सेवन इसकी वैल्यू कितनी आई है ट्वेंटी फाइव और एच एच क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ रहा है फिफ्टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ रहा है फिफ्टी ये कितना आ गया फिफ्टी अब यहाँ पे देखो वन जा कितना हो जाएगा हमारा टू 25 ट्वेंटी फाइव वन जा और ट्वेंटी फिफ्टी हो जाएगा यहाँ पे देखो टू टू फाइव अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस सेवन इंटू टू ठीक है उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखो कितना है टू टू फाइव यहाँ पे देखो सेवन इंटू टू कितना हो जाएगा माइनस फोर्टीन ठीक है अब उसको माइनस करोगे फाइव में से फोर गया कितना बचा हुआ वन टू में से वन गया कितना बचा वन और यहाँ पे टू टू हंड्रेड इलेवन इसका आंसर आपका आ जाएगा तो इसी के साथ हमारा इसका सोलूशन भी खत्म होता है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है तो एग्जाम में आपको स्टैटिक से क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही अगर आप बी के बच्चे हो तो स्टैटिक का चैप्टर को मैंने वीडियो बना चुका है ऑलरेडी उसको आप देख सकते हो और स्टेटिक्स चैप्टर और पॉब्लिटिव चैप्टर आपको कवर करना ही है अगर आपको अच्छे मार्क्स करने हैं तो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे देखो इफ द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्लास इंटरवल है फ्रिक्वेंसी है ठीक है ये टोटल भी हमको दिया हुआ है यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी फ्रिक्वेंसी के अंदर है एक्स ये रहा और वाई ये रहा हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपने मेरा स्टैटिक्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी समझा चुका है ओके तो फिर से पे एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको वापस तो आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए ठीक है तो क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास क्लास इंटरवल है जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी फोर्टी से फोर्टी से फिफ्टी फिफ्टी से सिक्सटी ठीक है और फ्रीकेंसी क्या है आपकी ओके okay. आपको इतना देखे रखा है आपको फाइंड क्या करना है ये एक्स और ये वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अब मेरी बात सुनो ध्यान से आपको एक चीज और देखे रखा है ठीक है यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा इफ इफ द द मीडियन मीडियन ठीक है पे आपको मीडियन की वैल्यू देखे रखी है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ठीक है तो आपको इतना मालूम है कि आपका मीडियन के ऊपर ही सॉल्व होगा तो आपको वही फॉर्मुला यूज करना है आपकी मीडियन की वैल्यू आपको देखे रखी है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ठीक है इसको ध्यान में रखना ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ये आपकी वैल्यू मीडियन की अब फार्मूला क्या होता है मीडियन का ठीक है क्या होता है फॉर्मूला बताओ एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एस अगर आपको पता है अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे एक कॉलम ड्रॉ करना पड़ता है उसका नाम होता है सी एफ वो कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट वन सेम लिखते हैं ठीक है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपको एग्जाम में करना है तो पेंसिल से कर सकते हो आज उसको रफ कर देना फाइव सेकेंड क्या है फाइव प्लस एक्स फिर इसको प्लस करोगे कितना होगा ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स प्लस करोगे फोर्टी प्लस एक्स इसको प्लस करोगे फोर्टी प्लस एक्स प्लस वाई और ये फोर्टी और कितना फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई मैंने इतना बता के रखा है कि ये और ये क्या होता है हमेशा इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटी एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा सिक्सटी यहाँ पे फोर्टी फाइव यहाँ क्या हो जाएगा माइनस फोर्टी फाइव तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया अब आपको सॉल्व करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है हमारा ये है देखो यहाँ पे आपको मीडियन की वैल्यू देके रखी क्या रखी है, ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ठीक है इक्वल टू अब मेरी बात सुनो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव देखो क्लास इंटरवल के अंदर किसके बीच में आएगा क्योंकि जो भी आपका आंसर आता है जिसको आपने माना होता है मॉडल क्लास आंसर हमेशा उसके बीच में ही आता है तो आपको पहले से ही आंसर देखे रखा है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव किसके बीच में आएगा ट्वेंटी और थर्टी के बीच में आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा मॉडल क्लास ठीक है ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास तो यहाँ पे देखो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास ट्वेंटी है प्लस एन बाई टू एन बाई टू एन कितना है सिक्सटी है तो सिक्सटी बाई टू कितना हो जाएगा थर्टी माइनस यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है ऊपर सॉल्व करते हैं एम की वैल्यू हमको देखिए रखी ट्वेंटी एट पॉइंट थर्टी ठीक है माइनस सी एफ क्या होता है इसके ऊपर वाला तो क्या होगा फाइव प्लस एक्स एफ कितना है हमारे पास ट्वेंटी इन क्लास साइज अपर माइनस लोअर कितना हो जाएगा टेन यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी ठीक है अब मैं इसको रफ कर रहा हूं पूरे को आप लिख लेना इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फाइन क्या करना था इतना याद रखना, फाइन करना है हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू ठीक है अब यहाँ पे देखो ये ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइवेंटी यहाँ प्लस में आए क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी इक्वल टू यहाँ पे क्या देखो, 30 है देखो थर्टी ये को माइनस और ये फाइव तो ये माइनस फाइव ये माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन में ट्वेंटी इंटू में आ गया टेन अब ट्वेंटी एट में से ट्वेंटी गया तो कितना बचा एट और पॉइंट में फाइव इक्वल टू थर्टी में से फाइव गया कितना बचा ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स जीरो का जीरो कैंसिल रिमेनिंग बच गया टू यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में तो एट पॉइंट फाइव इंटू टू करोगे तो जीरो सेवन वन ठीक है कितना आएगा सेवनटीन आ जाएगा तो सेवेंटीन हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये टू मल्टीप्लाई एट पॉइंट फाइव हो जाएगा सेवनटीन ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स अब देखो ये माइनस एक्स ना इसको यहाँ ले जाओ और ये प्लस है इसको यहाँ ले जाओ कल कर इंटरचेंज करो तो वाली साइन चेंज होगी तो ये एक्स क्या हो गया यहाँ के प्लस हो गया और ये ट्वेंटी फाइव ये सेवेंटी नाइन क्या हो गया माइनस हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी फाइव माइनस सेवनटीन कितना होगा हमारा एट होगा अगर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी एट आ गई तो वाई कितना आएगा ये वाला इक्वेशन देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फिफ्टीन था एक्स की वैल्यू कितनी आई है एट

Well 52 आपको एक कार कार्ड में से तो अगर आपको है ना, 52 तो पता होने हैं रेड होते हैं होते ट्वेंटी है ब्लैक होते, होते हैं रेड के अंदर थर्टीन डायमंड होते हैं थर्टीन हार्ट होते हैं इसमें थर्टीन स्पेड होते हैं और थर्टीन क्या होते हैं इसके अंदर क्लब होते हैं ठीक है थीके? तो आपको इतना पता है कि आपके पास टोटल कार्ड कितने फिफ्टी टू तो ये क्या हो गया आपका टोटल आउटकम ठीक है मैंने थॉर्म तरफ बता दिया है ये अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी तो पहला क्या फाइंड करना है ठीक है पहला क्या फाइंड करना है आपको देखो इसके अंदर और रेड फेस कार्ड कितना बोल रहा है और रेड फेस कार्ड ठीक है तो मेरी बात सुनो ध्यान से एक चीज देखो फेस कार्ड कितने होते हैं आपके ट्वेल्व फेस कार्ड होते हैं टोटल उसके अंदर से सिक्स रेड होते हैं और सिक्स क्या होते हैं सिक्स होते हैं आपके ब्लैक इतना आपको ध्यान में रखना है सिक्स क्या होते हैं रेड होते हैं और सिक्स क्या होते हैं ब्लैक और फेस कार्ड कौन कौन से होंगे बताओ आपको फटाफट क्वीन जैक और किंग तो सबके अंदर तीन तीन फेस कार्ड होते हैं तो इसमें तीन इसमें तीन इसमें तीन, इस तीन और इसमें तीन तो, तो कितने हो गए बारह हो गए ठीक है और तो छह कैसे हो गए हमारे रेड कलर के हो गए तो पहला प्रॉब्लिटी ऑफ इवेंट क्या पूछा है देखो मैं पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे लिख देना है इवेंट ए इक्वल टू जो आपको फाइंड करना है फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है और रेड फेस कार्ड तो क्या मान लेना इवेंट ए को और रेड फेस कार्ड अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ठीक है ये हमारा पहला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा रेड फेस कार्ड कितने होते हैं सिक्स होते हैं कितने में से 52 में से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/26 कितना आ जाएगा थ्री बाई ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर अब हम बात करते हैं इवेंट बी की इवेंट बी में हमसे क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से जैक ऑफ द हार्ट क्या पूछ रहा है द जैक ऑफ द हार्ट तो आपको पता होना चाहिए हार्ट में भी कितने कार्ड होते हैं थर्टीन होते हैं और जैक कितने होते हैं उसमें एक ही होता है ठीक है में क्या क्या होता है देखो यहाँ पे एक तो एस होता है उसके बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जैक क्वीन और किंग वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये थर्टीन कार्ड होते हैं सबके अंदर हार्ट के अंदर भी डायमंड के अंदर भी ठीक है क्लब के अंदर भी और स्पेड के अंदर भी चारों के अंदर ये थर्टीन कार्ड्स होते हैं तो हम क्या पूछा है हार्ट जैक ऑफ हार्ट तो हार्ट के अंदर जैक कितना है एक ही तो है तो इवेंट बी का आंसर क्या आ जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या लिखना है हमको इवेंट बी के अंदर द जैक ऑफ हार्ट ठीक है तो तो क्या हो हो जाएगा ये गया थर्ड अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं स्टेटमेंट में नाम देना नंबरिंग इवेंट ए इसको माना जो आपको क्वेश्चन ने पूछा है वो लिख देना है इवेंट बी इसको माना जो आपको क्वेश्चन ने पूछा है वो लिख देना है ठीक है प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट सी ठीक है अब क्या फाइन करना है सी के अंदर देखो एंड एस ऑफ अ ब्लैक कलर ब्लैक कलर के एस बताने हैं ठीक तो है तो मेरी बात सुनो ध्यान से ब्लैक कलर के एस बताने हैं तो ब्लैक कलर में कौन कौन से होते हैं हमारा एक तो स्पेड होता है और एक क्लब होता है तो ब्लैक कलर में एस कितने होंगे दो ही होंगे ना एक तो ये स्पेड के लिए और एक क्या क्लब के लिए ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे टू हो जाएगा फिफ्टी टू में तो कितना आएगा वन बाई ट्वेंटी सिक्स तो इसका आंसर कितना आ जाएगा वन बाई 26 ठीक है और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल टू नॉट एन एस एस नहीं बोला है एस हमको नहीं लेना है तो अगर एस नहीं लेंगे देखो इन चारों में एक दो तीन चारों में एस होता है इट मीन फिफ्टी कार्ड में हमको चार एस नहीं लेने हैं तो नॉट अ एस तो एस के बाद कितने बज गए रिमेनिंग तो फिफ्टी में हमने चार नहीं ले कितने बज गए हमारे पास फोर्टी एट गए फिफ्टी में तो आंसर क्या आएगा फोर्टी अपॉन फिफ्टी ठीक है 52. इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा ट्वेंटी फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स इसको और करो कितना हो जाएगा ट्वेल्व ये हो जाएगा थर्टीन तो आंसर कितना आएगा ट्वेल्व बाई थर्टीन तो इसी के साथ हमारा ये चारों के सोल्यूशन खत्म होते हैं हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके तो हमारा इसका सोल्यूशन खत्म हो गया है हम आगे जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे ध्यान से अ गेम ऑफ असनिंग एरो सिंपल समझो यहाँ पे क्या है सिंपल सा यहाँ पे एट ठीक तो तो है कितने से? 1 से 8 समझना यहाँ पे नंबर कितने 1, 2, 8. तो तो टोटल आउटकम कितना होगा ही होगा सिंपल सी बात है ही नंबर है तो. तो कितना हो गया एट हो गया अब फाइंड करना है हमको प्रॉबिलिटी हम इवेंट ए मानते हैं इवेंट ए क्या मानेंगे देखो ध्यान से इवेंट ए में हमको क्या बोला है देखो क्या करना है एंड यहाँ पे देखो एंड दीज आर इक्वली लाउकली मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि नंबर में से कोई भी आ सकता है उसके आने के चांसेस क्या मतलब चीटिंग वाला गेम नहीं चल रहा वाट आर प्रॉबिलिटी ऑफ दैट विल बी द पॉइंट एट एट ऐसा बोल रहा है कि हमने राउंड किया तो एट पे खाली एट पे आने का खाली जो एरो दिख रहा है ना ये एरो ये जो एरो दिख रहा है ये एट पे खाली नंबर एट पे ठीक है टोटल एट पे नंबर एट पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो इवेंट है हमारा क्या आ गया एट पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा एट नंबर तो अकेला ही नंबर है ना तो वन बाई एट पहले का क्या आ जाएगा वन बाई एट अब इवेंट बी की बात करूं मैं इवेंट बी में क्या पूछा है हमसे देखो ध्यान से इवेंट बी में हमसे पूछा है एन ऑड नंबर क्या पूछा है एन ऑड नंबर तो और नंबर आपको पता होना चाहिए और नंबर क्या होता है अगर बात को नंबर यहाँ पे दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट में और नंबर क्या होगा जो मल्टीपल ऑफ टू नहीं होंगे तो वन थ्री फाइव और सेवन कितने हैं चार नंबर है तो इन्हें क्या फाइन कर रहे हैं एन और नंबर तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट बी का क्या आ जाए कितने नंबर टोटल चार है तो चार में आठ में थे कितने बचे ऊपर चार ठीक है करें कितना कितना आ आ जाएगा जाएगा आंसर अब इवेंट इवेंट की बात करूं मैं तो C क्या बोल रहा है मेरे को देखो पे से. दो से बड़े नंबर ग्रेटर टू टू नहीं बोल रहा है ठीक है समझना ग्रेटर टू को काउंट नहीं करना है तो, अगर मैं नहीं करूं, तो ये मैं टू को काउंट नहीं करूँ तो नंबर कितने मेरे पास देखो टोटल थ्री फोर फाइव कितने हो गए थ्री को भी लूंगा फोर को भी लूंगा फाइव को भी लूंगा को भी सेवन कितने नंबर हो गए एक दो तीन चार पाँच इवेंट क्या है ग्रेटर देन टू से ग्रेटर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या आएगा मेरा छह नंबर है कितने में से आठ में सोल्व हो गया कितना आ जाएगा आंसर थ्री बाई फोर तो इसी के साथ थर्ड सॉल्यूशन हो गया अब लास्ट सॉल्यूशन देखते हैं इवेंट डी के लिए और जो इवेंट ए बी सी डी है ये नंबरिंग मैं अपने मन से कर रहा हूँ आप भी अपने मन से नंबरिंग कर सकते हो सिंपली अल्फाबेट इवेंट ए मान लिया मैंने इसको इवेंट बी मान लिया इवेंट सी मान लिया ठीक है तो ये आपका काम करेगा एज अ स्टेटमेंट की तरह और ये आपका लगेगा कि आपने प्रॉपर आंसर लिखा है आपको फुल मार्क मिल जाएंगे अदरवाइज कोई चाहे तो आपका मार्क काट भी सकता है स्टेटमेंट के लिए तो यहाँ पे देखो लास्ट क्या लिखा हुआ है नंबर स्मॉलर देन नाइन नाइन से कम बोला है ठीक है तो नाइन से कम तो सारे नंबर आ गए ना सिंपल सी बात है नाइन से कम बोला और कहाँ तक कम बोला कोई लिमिट नहीं है तो ठीक है तो हमने वन से स्टार्ट किया है तो नाइन से कम कहाँ तक होगा हमारा वन तक ही होगा तो नाइन से कम कित क्या आ गया हमारे पास सारे नंबर आ गए वन भी होगा टू भी थ्री भी फोर भी फाइव भी सिक्स भी सेवन भी और एट भी ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला है स्मॉलर देन नाइन ठीक है स्मॉलर देन नाइन तो इवेंट डी क्या होगा स्मॉलर देन नाइन क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी क्या हो गया हमारा एट बाई एट क्योंकि सारे नंबर आ जाएंगे एट बाई एट आंसर कितना आ जाएगा हमारा वन तो इसी के साथ हमारा इसका सॉल्यूशन भी खत्म होता है अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक है ओके तो okay. so, हमने सेक्शन डी यहाँ पे कवर कर लिया भले ही हमने थोड़ा फास्ट किया है सेक्शन डी को आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से ठीक है तो थैंक यू एवरी वन इतना सुनने के लिए ठीक है अब एग्ज़ाम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो धीरे धीरे और थोड़ा स्मार्टली स्टार्ट करना ठीक है ओके बाय बाय एवरी वन एंड थैंक यू